Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are happy, fit and healthy, students. Students, this is your Hindi literature class. And today, we will read about chapter 18. हम आज read करने वाले हैं chapter 18, छोटी का कमाल. तो क्या है आपका name chapter का students? छोटी का कमाल. छोटी means एक बच्ची है जिसका नाम छोटी है. Okay? तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति है समर सिंह और एक इसमें छोटी लड़की है जिसका नाम छोटी है. ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं, क्या कर रहे हैं दोनों, देखिए पिक्चर में. ये एक सी सॉ झूला है ना. आप भी झूले होंगे, पार्क में झूला होता है ऐसा, है ना. तो आपने अगर इसमें बैठे हो तो आपने देखा हो क्या होता है कि इसमें ऊपर नीचे ऐसे होता है, जिसका वेट ज्यादा होता है वो नीचे रह जाता है, जिसका वेट हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है ना. तो चलिए पहले इसको अच्छे से रीड करते हैं, इसको पोयम को. समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूं आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी. तो क्या है फ्रेंड्स, समर सिंह थे बहुत अकड़ते. समर सिंह एक व्यक्ति है जो मैंने आपको भी पिक्चर में दिखाया ही. इनका नेम है समर सिंह, है ना फ्रेंड्स. क्या नेम है इनका, समर सिंह है ये, समर सिंह है ना. और इस बच्ची का नेम क्या है, इस बच्ची का नेम था छोटी. ओके, छोटी तो छोटी. चलिए इन दोनों में क्या हो रहा है, ये झूला झूल रहे हैं. तो समर सिंह थे बहुत अकड़ती, छोटी कितनी छोटी. समर सिंह जो थे वो बहुत चिढ़ा रहे थे, बहुत अकड़ रहे थे. किसको देखकर, छोटी इस बच्ची, छोटी बच्ची को देखकर कह रहे थे कि तुम कितनी छोटी हो. छोटी कितनी छोटी मतलब छोटी उसका नाम था और वो थी कैसी, बहुत छोटी. मैं हूँ आलू भरा पराठा. कौन है, कौन कह रहा है मैं हूँ आलू भरा पराठा. समर सिंह कह रहे हैं मैं तो इतना मोटा ताजा हूँ, मैं तो आलू के पराठे जैसा हूँ. आपने आलू का पराठा खाया होगा तो क्या होता है, वो थोड़ा हैवी होता है रोटी से ज्यादा. क्यों, क्योंकि उसमें आलू की स्टफिंग भरी होती है. तो कह रहे हैं देखो मैं तो आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, और तुम कैसी हो, पतली छोटी की रोटी की तरह बिल्कुल छोटी और पतली हो. कौन कह रहा है, समर सिंह कह रहा है मैं हूँ आलू भरा पराठा, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, और तुम कैसी हो, बिल्कुल एकदम पतली रोटी की तरह छोटी हो तुम, है ना. छोटी होती है ना रोटी, पतली सी होती है. तो अब आगे पढ़ते हैं, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली. कह रहा है देखो मैं तो लंबा हूँ, मोटा हूँ, तगड़ा हूँ. कौन कह रहा है, समर सिंह कह रहे हैं कि देखो मैं तो लंबा मोटा तगड़ा हूँ, छोटी पतली दुबली, और तुम कैसी हो, बिल्कुल छोटी पतली दुबली हो. मतलब तुम तो पतली दुबली हो और मैं कैसा हूँ, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, है ना समर सिंह कह रहा है ये. चलिए आगे पढ़ते हैं, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली. तो ये जो क्या कह रहा है, जो मैं मोटा पटसन का रस्सा, पटसन का रस्सा मतलब एक रस्सी होती है मोटी वाली, जो बहुत मोटी होती है स्टूडेंट्स. तो कह रहा है मैं रस्सा हूँ, बिल्कुल मोटी वाली रस्सी हूँ मैं, रस्सा जो होता है. और तुम कैसी हो, बिल्कुल कच्ची सुतली हो. बिल्कुल तुम कैसी हो, बच्ची छोटी कैसी है वो. कह रहा है कि तुम तो सुतली आती है स्टूडेंट्स, वो पतली होती है. तो कह रहा है कि तुम छोटी कच्ची सुतली की तरह हो और मैं हूँ मोटा रस्सा. तो हर बात में खुद को अच्छा दिखा रहा है कि देखो मैं तो इतना, देखो मोटा ताजा हूँ और तुम छोटी पतली हो, और मैं रस्सा हूँ मोटा और तुम छोटी सुतली की तरह हो. ये इसको तुलना कर रहा है उस चीज से, छोटी कच्ची सुतली से क्या तुलना कर रहा है, बच्ची की तुलना कर रहा है उससे, छोटी कच्ची सुतली की, छोटी जो थी उसकी तुलना कर रहा है कच्ची सुतली की उससे, ठीक है ना, कच्ची सुतली से. लेकिन जब बैठे सीसा पर, सीसा होता है झूला जो यहाँ पर दिखाया है, ये झूला है, सीसा बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स. होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए. क्या हुआ, जब वो दोनों झूले पर बैठे तब जाके उनके होश ठिकाने आए, किसके,
समर सिंह के क्यों? क्योंकि छोटी जा पहुंची चोटी पर, छोटी कहाँ पहुंच गई? ऊपर पहुंच गई, क्योंकि उसका वजन हल्का था, वो छोटी पतली दुबली थी, उसका वेट बहुत कम था, तो क्या हो गया, वो तो ऊपर उठ गई। समर सिंह चकराए और समर सिंह मोटे ताजे थे, तो क्या हुआ, उनका वेट बहुत ज्यादा था, तो क्या हुआ, वो नीचे के नीचे ही रह गए, है ना। इसमें क्या होता है, वजन जहाँ ज्यादा होता है वो नीचे रह जाता है, और जिसका वजन हल्का होता है, वेट हल्का होता है, वो उठाता है ऊपर उठ जाता है। तो देखो बसों, यही ये बात कर रहे थे कि पहले तो बहुत बातें करी इन्होंने, छोटी छोटी कर करके उसको चिढ़ाया, उसको अकड़ के बात की उससे, समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, क्या कहा था कि देखो छोटी तुम कितनी छोटी हो, मैं हूँ आलू भरा पराठा, मैं तो आलू भरा पराठा हूँ, लेकिन तुम कैसी हो, तुम एकदम पतली रोटी की तरह हो छोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, मैं कैसा हूँ, मैं तो मोटा तगड़ा हूँ बिल्कुल, और तुम कैसी हो, छोटी पतली दुबली, एकदम पतली और एकदम दुबली हो। मैं मोटा पटसन का रस्सा, मैं कैसा हूँ, बिल्कुल मोटा जो पटसन का रस्सा होता है बिल्कुल वैसा हूँ, और तुम कैसी हो, तुम तो कच्ची सुतली की तरह हो बिल्कुल, पतली सी कच्ची सुतली जैसे होती है। लेकिन जब बैठे सीसा पर, लेकिन जब वो बैठते हैं सीसा पर, क्या होता है, होश ठिकाने आए। किसके ठिकाने आ गए होश, समर सिंह के, जो ये सब बातें कर रहा था, उसको चिढ़ा रहा था, है ना। छोटी जा पहुंची चोटी पर, छोटी कहाँ पहुंच गई, चोटी पर पहुंच गई। समर सिंह चकराए, समर सिंह क्या हुआ, चक्कर में रह गए कि ये क्या हुआ, मैं तो नीचे ही रह गया, और छोटी कहाँ हो गई, ऊपर उठ गई, ऊपर चली उठ गई वो, है ना, देखो ऊपर उठ गई, और ये कहाँ है, नीचे के नीचे रह गए, क्योंकि इनका वेट बहुत ज्यादा था, और छोटी बहुत पतली दुबली थी, उसका वेट बहुत हल्का था, तो इसलिए झूला ऊपर उठ गया उधर की साइड से, जिधर छोटी बैठी हुई थी। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से रीड आउट करना है और अच्छे से समझना है इसको। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, पढ़ते रहिए और साथ में लर्न करते रहिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।